So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who want to make their career in agriculture. दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो बेस्ड है एग्रीकल्चर पे और हम अपने स्टूडेंट्स को जो सुपरवाइजर के लिए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए जा रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर के लिए जा रहे हैं, डेफिनेटली उन स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर वीडियो से डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। हमारे जो भी स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर के लिए जा रहे हैं या फिर सुपरवाइजर इंटरव्यू, इवन आप रिटन एग्जाम के लिए भी जा रहे हैं, तो भी आपको ये वीडियो जरूर बेनिफिट देगा। दोस्तों उम्मीद है हमारे दोनों चैनल्स पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आप स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज की वीडियोस देख रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो मैं काजल को सबसे पहले वेलकम करता हूं। और काजल, आज जो हमारे पास टॉपिक है वो एक मॉक सेशन के रूप में है और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कृषि का मीनिंग क्या है, मींस कृषि से आप क्या समझते हैं? सर, कृषि का अर्थ है भूमि से जुड़े हुए सभी मानवीय कार्य, जैसे खेत का निर्माण, जुताई, बुआई, सिंचाई और जो फसलों का निर्माण करना और फसलों को हानिकारक तत्वों से बचाना, एंड फिर पशुपालन, मत्स्य पालन एंड वृक्षारोपण एंड डेयरी एंड फार्म आदि का निर्माण इसी में सम्मिलित है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कृषि की परिभाषा प्रमुख विद्वानों के अनुसार, कोई ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए, कोई ऐसा कोई स्पेशलिस्ट पर्सन का जिसने कोई डेफिनेशन दी हो स्पेशल। यस सर, सर कई विद्वानों ने अपने अपनी परिभाषा में कृषि के बारे में बताया है। yes. तो मैं आपको एक उदाहरण देते हुए बताऊंगी कि मार्केटिंग। ओके, मींस हैरोल्ड एच मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। चलिए बताइए सर, उनके कथनानुसार फसलों व पशुओं की सुदेश रूप से देखरेख करना, उन्होंने उन्हीं को ही कृषि की संज्ञा बताई गई है। अब आप मुझे ये बताइए कि कृषि के प्रमुख प्रकार कितने हैं, मतलब टाइप्स कितने होते हैं? सर, हमारे देश में अलग अलग तरीके से कृषि की जाती है। जैसे मैं बताना चाहूंगी कि स्थानांतरणशील कृषि, प्रारंभिक स्थायी कृषि एंड व्यापारिक पशुपालन, चलवासी पशुचारण एंड चावल प्रधान गहन कृषि, चावल विहीन कृषि एंड भूमध्य सागरीय कृषि एंड व्यापारिक बगाती कृषि आदि प्रमुख प्रकार है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि कृषि के प्रमुख लाभ क्या क्या, बेनिफिट्स क्या है? सर, कृषि के कई लाभ हैं। जैसे सर, भारतीय कृषि राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। ओके। सर, संपूर्ण भारतीय जनसंख्या का लगभग 67% जो भाग है वो अपनी आजीविका कृषि से ही प्रदान करता है। ओके। एंड देश के लगभग कुल भू क्षेत्र में 49% भाग पर कृषि की जाती है। कृषि उत्पादन यातायात को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित करती है। देश में जो महत्वपूर्ण उद्योग हैं वो कच्चे माल के लिए कृषि पर आधारित हैं। कृषि लगभग देश के 103 करोड़ जनसंख्या को भोजन प्रदान करती है और 36 करोड़ पशुओं को चारा प्रदान करती है। एग्रीकल्चर असिस्टेंट के बारे में आप क्या जानते हैं? सर, एग्रीकल्चर जो असिस्टेंट होता है वो एग्रीकल्चर ऑफिसर के अंडर में कार्य करता है। और उसके अंडर में 8 से 10 सुपरवाइजर कार्य करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सर, इनका कार्य होता है कि अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करके सुपरवाइजर तक पहुंचाना। और सर, ये तहसील स्तर पर कार्य करते हैं। ओके। अब आप मुझे ये बताइए कि सुपरवाइजर का वर्क क्या है एग्रीकल्चर में, बताइए। सर, सुपरवाइजर का अलग अलग वर्क रहता है। जैसे ये डायरेक्ट किसानों से जुड़े होते हैं। okay. और ये ग्राउंड लेवल पर वर्क करते हैं। बिल्कुल। सर, इनका कार्य होता है कि गांव की पंचायत में बैठना और वहां से डेटा कलेक्ट करना। बिल्कुल। अगर कोई फसलों में नुकसान हो रहा है तो वहां से डेटा कलेक्ट करना। राइट। गवर्नमेंट की तरफ से जो बीज और खाद प्रोवाइड होते हैं वो किसानों की फसलों के लिए उन्हें प्रोवाइड करना। बिल्कुल। यदि कोई स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से टेक्नोलॉजी आती है तो वो किसानों को प्रोवाइड करवाना। ओके। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो लेबोरेटरी से फील्ड तक पहुँचाना। सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई नई स्कीम आती है तो वो किसानों को प्रोवाइड करवाना। कोई स्कीम्स के नाम बता सकते हैं? यस सर, बताइए। सोइल हेल्थ कार्ड एंड पीकेवाई स्कीम। ओके, पीकेवाईस की बात कर रहे हैं आप और सोइल हेल्थ कार्ड आपने सही बताया। यस सर। अच्छा, कोई और कार्य भी मुझे आप सुपरवाइजर के बता सकते हैं? यस सर, कई और कार्य होते हैं, जैसे किसानों को सब्सिडीज देना और उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना। राइट। और सब्सिडीज को वेरीफाई करना और गवर्नमेंट की तरफ से किसानों को मिनी किट्स प्रोवाइड करना, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करना, बीमार फसलों के लिए मेडिसिन प्रोवाइड करवाना जो गवर्नमेंट की तरफ से मिली है, और किसानों को समय समय पर मौसम बदलते मौसम की जानकारी देते रहना। ओके। और सर, जो किसान सेवा केंद्र होता है वहाँ पर जब किसान इकट्ठा होते हैं अपनी समस्याएं लेके, तो उनकी सुपरवाइजर का काम होता है कि उनकी समस्याओं का हल करना। बहुत अच्छा बताया भैया आपने रिगार्डिंग सुपरवाइजर वर्क। अब मैं आपसे एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा, तो वो हमारे स्टूडेंट्स को डेफिनेटली बेनिफिट देंगे। मुझे ये बताइए कि वपनियन यानी कि कैनिंग, ये क्या होती है?
सर बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका। ओके, और पत्ता गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? वनस्पति कालिका। और भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत कब हुई थी? सर 1967 से 1968 तक। गुड, अब आप मुझे ये बताइए कि क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा यूज होता है? सर जिप्सम रसायन का उपयोग किया जाता है। गुड, मृदा सुधारक कौन होता है? सर ये भी जिप्सम ही होता है। गुड, सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? सर ये राजमुंद्री में स्थित है। ओके, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सर ये ह्यूमस और टिटेनिफेस के कारण होता है। ओके, टिटेनिफेस मैग्नेटाइल एव ह्यूमस जो आपने बताया। अब ये बताइए कि पुरानी जालोर मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? सर ये बंगर के नाम से जानी जाती थी। ओके, गेहूं का काला टिक रोग किसके कारण होता है? सर ये फफूंदी के कारण होता है। ओके, मिर्च में चरचराहट का कारण क्या है? सर मिर्च में चरचराहट का कारण कैप्सिसिन है। ओके, नबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सर नबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। ओके, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में किसके उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति की है? सर गेहूं में। ओके, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा गया है? सर फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन M.S. स्वामीनाथन को कहा गया। ओके, सिल्वी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सर इसमें वनों का अध्ययन किया जाता है। ओके, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सर भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गुड, कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सर ये मुंबई में स्थित है। वेरी गुड, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग का क्या कारण हो सकता है? सर ये जस्ता के कमी से होता है। गुड, कृषि उपज के समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? सर ये एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन करते हैं। ओके, और बोरलॉग पुरस्कार किसके महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है? सर ये कृषि के लिए। ओके, चाय में कौन सा एल्कालेट पाया जाता है? सर कैफीन। ओके, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? सर काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके, पौधे की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सर ऑक्सीनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ओके, भारतीय कृषि अनुसंधान IARI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया? सर IARI 1929 में स्थापित किया गया। गुड, लेग हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? सर आयरन। ओके, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट अप करना चाहता हूं जो बहुत कॉमन होता है हर इंटरव्यू के लिए कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, तो क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? यस सर, ट्राई कीजिए। सर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके आगे बैठी हूँ। और सर मैं ये बताना चाहूंगी कि कोई मेरी तरह जैसे बाहर खड़े हैं इंटरव्यू देने के लिए, मैं उनको खुद के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकती, पर खुद के बारे में बताना जरूर चाहूंगी कि मैं ऑनेस्ट हूँ और पंचुअल हूँ और मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ। सर मुझे अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का एक चांस दीजिए। श्योर, अब आप मुझे ये बताइए कि आप जो एग्रीकल्चर एज अगर सुपरवाइजर भी वर्क करते तो आप टीम में पसंद करते हैं या अकेले काम कर लेते हैं? सर वैसे मैं ज्यादा प्रेफरेंस टीम को देती हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं अकेले भी काम कर लूंगी। ओके, और आप जॉब के लिए कहीं भी जा सकते हैं? यस सर, मैं जॉब के लिए कहीं भी जा सकती हूँ क्योंकि मेरे अंदर कोई होम सिकनेस नहीं है और कश्मीर टू कन्याकुमारी मेरे लिए सेम है। गुड, काजल आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं हमसे? सर मेरे लिए सैलरी इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ग्रोथ इम्पोर्टेंट है और मैं चाहती हूँ मैं यहाँ पर अच्छा कार्य करके यहीं से ग्रोथ करूँ। ओके, काजल हमें आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस बताइए। यस सर, सर मेरी सेंस है कि मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ और पंचुअल हूँ और ऑनेस्ट हूँ, एंड मेरी वीकनेस है कि सर मैं बातें बहुत करती हूँ, थोड़ी सी मेरी इंग्लिश वीक है। काजल आपकी हॉबीज क्या है? सर मेरी हॉबीज है, मुझे नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है, नई जगहों पे जाना बहुत पसंद है, मेरे को पौधे लगाना बहुत पसंद है सर, पेट्स रखना, एंड इवन हमारे घर पे भी पेट्स हैं, डॉग एंड एक पैरट है। That's great. आपने बोला कि सुपरवाइजर का वर्क होता है कि किसान सेवा केंद्र में जाना, किसानों की हेल्प करनी, इवन एक पर्टिकुलर डे होता है शायद गुरुवार होता होगा कि जिसमें वो पर्टिकुलर डे के अंदर वो लोग स्पेशल इस पर्टिकुलर डे के लिए वो लोग यहाँ पर वर्क करते हैं, इस डे में वो लोग पर्टिकुलर सेवा केंद्र जरूर जाते हैं और किसान वहाँ एकत्रित होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए आप वहाँ गए, अब मान लीजिए कि किसान आपकी बात ही नहीं सुन रहे, तो आप क्या करेंगे? सर अगर किसान मेरी बात नहीं सुन रहे हैं तो मैं उनकी बात सुन लूंगी क्योंकि मैं एक अच्छे श्रोता भी हूँ, मैं उनकी बात सुनूंगी कि उनको क्या प्रॉब्लम है, शायद उनकी प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है, और उनकी प्रॉब्लम सुन के मैं उनको हेल्प भी करूंगी। Okay, अच्छे से। दैट्स गुड।
तो रियली टॉकिंग विद यू वॉज क्वाइट गुड और मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला. रियली प्राउड ऑफ यू. कीप इट अप. ब्लेसिंग्स टू यू. थैंक यू सर.